हे गाइस, आपका स्वागत है आज की एक और एक्सेसरी वीडियो में। मेरे हाथ में है ये रेड गियर का मैकेनिकल कीबोर्ड और ये वाला मैंने किस प्राइस रेंज में लिया था, 2 साल पहले लिया था। क्या अभी भी ये काम कर रहा है? क्या आपको 2024 के अंदर ये वाला कीबोर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्या आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बेसिकली यार, वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी ऐसे कीबोर्ड की तलाशी कर रहा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। बेसिकली ये कीबोर्ड जब मैंने लिया था ना, तो मेरे पास है लैपटॉप। अब लैपटॉप में 24 घंटे ना चिकलेट कीबोर्ड रहते हैं, तो इतना ज़्यादा कीज़ में मज़ा नहीं आता, ठीक है। बट इसमें जब कट 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 की आवाज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, मशीन है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्या आपको लेनी चाहिए? तो सबसे पहले इसकी कुछ स्पेक्स की बात कर लेता हूँ। ज़्यादा मैं कुछ इसमें मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ इस वीडियो में। स्पेक्स देखने तो इससे पहले मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखी है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है किस हिसाब से ये मैकेनिकल कीबोर्ड काम करता है। हालांकि आज मैं इसकी थोड़ी सी सफाई वगैरह करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी धूल चढ़ गई और सारे बटन्स मैं निकाल कर भी दिखाऊंगा आपको। इसके अंदर इतने ज़्यादा लाइट्स फंक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छे पॉइंट मेरे को ये लगता है इसका कीनो, वो इतनी अच्छी लाइट है। देखो यहाँ से डायरेक्टली वो देखो ऊपर लैपटॉप के ऊपर लाइट, अब वो साउंड को यहीं से मैनेज कर पा रहा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट इसने ये लगा लो, जैसे मान लो आधे घंटे का काम है ना, उसने मेरा इस कीबोर्ड की वजह से लगभग 15 मिनट्स का 50% टाइम सेव किया है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा लाइट्स फंक्शन है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि अब मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए गाइस, इसके अंदर इतने सारे वो है ना, ये देखो मोड्स, ये कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस टाइप का, ये लाइट्स बंद हो गई हैं। एंड इसको ऑन करने के लिए फिर से मोड ऑन, ये कम्प्लीटली ऑन रहेगा। एंड इसमें इतने सारे मोड्स हैं ना, ये देखो, कुछ मोड्स ऐसे भी हैं सब प्रेस करेंगे तो ही प्रेस होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे मोड्स, ये देखो किस टाइप, इस टाइप के मोस्ट बहुत सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। एंड मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, अनबॉक्सिंग जब की थी तब मैंने कम्प्लीटली इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था यूज़ करने के बाद में। एंड ये देखो भाई साहब, काफ़ी तगड़ा है। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर रेड गियर की क्या एप्लीकेशन भी आती है, जो आप अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करके सारे के सारे चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं, ये है वो एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर सकते हो रेड गियर की ऑफिशियल वेबसाइट से, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करना है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैनेज कर पाएंगे अपने कीबोर्ड का सारा कम्प्लीटली, किस हिसाब से आपको कौन सी चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है। कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड है ये कीबोर्ड, एंड कस्टमाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा रहने वाला है भाई इस कीबोर्ड के साथ में। कीबोर्ड की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, जो इसका ये USB पोर्ट है ना, गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है, मतलब कि जंग वगैरह नहीं लगेगा और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहता है। और इसकी वायर भी ब्रेडेड केबल है, ये देखो आप कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। और उससे अच्छी बात पता है क्या इस कीबोर्ड के साथ में, मैं आपको कीबोर्ड की क्वालिटी बताता हूँ। ये जो रिस्ट पैड है, यहाँ पर हाथ रख के आपके हाथ ज़्यादा देर दुखेंगे नहीं और लंबे समय तक आप काम कर पाओगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो इसको इस तरीके से हटा भी सकते हो आप। मैं इसको बैक साइड में लेकर जाता हूँ एक बार, ये देखो गाइस, हटाना बहुत आसान है। ये देखो, ये इस टाइप से ये हट जाएगा और लगाना भी बहुत आसान है। इस टाइप से इसको यहाँ से इसको ऐसे करके प्रेस कर दिया जाएगा अंदर से। ये इसके, ये देखो, ये पैड्स वगैरह निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा इसका ऊंचाई ऊंचा देखने को मिल जाता है। देखो अब नीचे है, अगर ये नीचे से ऊपर कर दोगे आप, ये एक, और यहाँ से ये दो, ये देखो अब थोड़ी सी ऊंचाई रह गई है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ये देख सकते हो आप आसानी से। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने 20 अगस्त 2022 को लिया था 2000 का। इसका प्राइस वेरी करता रहता है, डिपेंड ऑन सेल से, सेल वगैरह पे लोगे तो आपको 2000 से भी नीचे पड़ सकता है शायद ये। एंड ये इसके कुछ, ये सारी कीज़ मैंने निकाल दी हैं, इसको बहुत ही आसान है साफ़ करना। फ़िलहाल तो मैं इसको साफ़ कर लूँगा, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ब्लू कलर के ये होते हैं ना, ये जिस कीबोर्ड में ये मिलते हैं ना मैकेनिकल कीबोर्ड में, ब्लू कलर का ये बटन्स, ये काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं रेड वाले से और वाइट वाले से, तो आप जितना हो सके ब्लू वाले लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एप्लीकेशन का ज़्यादा रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, आप मेरी दूसरी वीडियो जा करके चेक कर लेना। यहाँ पर LED मोड्स को आप बटन से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर बात कर लीजिए इसकी सेटिंग्स की, तो रिस्टोर भी कर सकते हैं सेटिंग को, मैक्रो में जा सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं इसके साथ में। ये कौन सा ग्रुप किस हिसाब से किस चीज़ को किस हिसाब से मैनेज करना है वो सारा का सारा इस कीबोर्ड के साथ में आप में कर पाएंगे। LED कहाँ से कितनी लाइट लेनी, कितनी स्पीड रखनी है, कितना क्या करना है, ब्राइटनेस कितनी लेनी कीबोर्ड की। यहाँ पर ये देखो, अगर मैं वहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करता हूँ तो ब्राइटनेस ज़्यादा तेज़ी कम हो गई, अगर इसको फुल कर देते हो इस टाइप से फुल कुछ हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि इसकी लाइट ख़राब तो नहीं हो जाती, हालांकि किसी भी बटन में लाइट की प्रॉब्लम तो नहीं आई, बस एक जो K वाला बटन है ये देख, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर लाइट अच्छे से ऑन नहीं हो रही है। और ऑलमोस्ट ये लगभग 2 साल होने को हैं इसको और ये कम्प्लीटली अच्छा चल रहा है, बस एक K वाले बटन को छोड़ करके। मैंने जोड़ दिया है अपना कीबोर्ड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये कुछ इस टाइप से काफ़ी तगड़े वाला कीबोर्ड है भाई साहब। ये देखो इसमें पीछे ब्रांडिंग भी है कि MK853 ब्लू शेडो ब्लेड, और ये कुछ इस मेड इन चाइना है, बट ब्लू शेडो ब्लेड वाले ही कीबोर्ड खरीदना। अगर मैकेनिकल खरीदो तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रहते हैं, और मैं इसको अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, स्टिल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इसके अंदर। और काफ़ी अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट पता है क्या है, ये देखो ये क्लिक हो जाता है, कितनी ज़्यादा प्यारी है। इस नॉब को ऊपर नीचे करने में सारा म्यूज़िक सिस्टम और ट्रम सटर सब कुछ मैं यहीं से कंट्रोल कर लेता हूँ, और कुछ इस टाइप का एक कीबोर्ड है। आपको कैसा लगा, अगर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड देखने को मिलता है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।